न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शहरीन। बाली जिले के रसना में शुक्रवार को दोपहर में अपराध की दुनिया में खूंखार बदमाश और लूट की हत्या की फिरौती लेने वाले 1,00,000 रुपए के इनामी बदमाश हरीश पासवान पुत्र इंद्रदेव पासवान निवासी बाबू बेल थाना हल्दी जनपद बालिया को लखनऊ और गोरखपुर की एसटीएफ की टीम ने शुक्रवार को 11:40 पर रसना कासिमाबाद मार्ग के नींबू गाँव के समीप मुठभेड़ में मार गिराया। आपको बता दें, बदमाश के पास से 32 बोर का एक रिवॉल्वर और पिस्टल बरामद किया गया, जबकि उसका दूसरा साथी बाइक लेकर कामसीपुर गांव की तरफ भाग निकला। हरीश पासवान का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। डीजी वाराणसी जोन बृजभूषण शर्मा ने हरीश पासवान पर 1,00,000 का इनाम घोषित किया था। एसटीएम लखनऊ डीएसपी डी के साही ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस शुक्रवार को सवेरे से ही उसका पता लगाने में जुट गई थी। तभी एसटीएफ को उसके साथी के साथ बाइक द्वारा कासिमाबाद की तरफ जाने की सूचना मिली। एसटीएम गोरखपुर के इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश सिंह की टीम में लगभग 2 दर्जन एसटीएफ के जवानों ने रसना से ही इसका पीछा किया। नींबू गांव पहुंचते ही अपने पीछे पुलिस को आता देख बदमाश हरीश पासवान ने अपने पिस्टल से एसटीएफ पर फायर करना शुरू कर दिया। नींबू गांव पहुंचते ही अपने पीछे पुलिस को आता देख बदमाश हरीश पासवान ने अपने पिस्टल से एसटीएफ पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाब में एसटीएफ ने कई राउंड फायर किए। इस बीच गोली उसके सर में लगी और वो वहीं पर गिर पड़ा। हरीश को गिरते देख उसका दूसरा साथी बाइक लेकर कामसीपुर की तरफ भाग निकला। प्रभारी निरीक्षक रसड़ा नागेश उपाध्याय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। एसटीएफ की इस सफलता पर पहुंचे एसपी ने घटना की पूरी जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। आज जनपद बलिया के रसड़ा थाना क्षेत्र में एसटीएफ की टीम के साथ एक शातिर अपराधी हरीश पासवान, इस पे कुल 32 मुकदमे दर्ज हैं। 4 राज्यों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, रंगदारी, एक्सटॉर्शन, फिरौती हेतु अपहरण जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। उसके द्वारा उसका वह अपने किसी साथी के साथ किसी से मिलने जा रहा था। उस दौरान पुलिस टीम जब उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो उसने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी और जवाबी फायरिंग में एसटीएफ की टीम के द्वारा जो हरीश पासवान था उसे गोली लगी है। अन्य जो भी इसमें विधिक कार्रवाई और जो भी कार्रवाई होनी होती है वह प्रचलित है। जो भी आगे डिटेल्स आएंगे आप सबको अवगत करवाया जाएगा। कितनी गोली लगी है? इसके एक डिटेल प्रेस नोट अभी हम जारी कर रहे हैं, उसमें आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगे। अभी क्या स्थिति है सर? घोषित था इसमें 1,00,000 रुपये का, 1,00,000 रुपये का इनामी था ये। 32 मुकदमे थे, कुल 4 राज्यों में इसके द्वारा अपराध किया गया। 4 राज्यों में आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें मुख्य रूप से हत्या के कई मुकदमे, लूट के मुकदमे, एक्सटॉर्शन और रंगदारी के मुकदमे, फिरौती हेतु अपहरण, 307 गैंगस्टर एक्ट और अन्य संगीन धाराओं में इसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। अभी क्या स्थिति है इसकी? 1,00,000 रुपए का वर्तमान में 1,00,000 रुपए का इनामिया था। पुलिस की टीम इसको खोज रही थी और हाल ही में इसके द्वारा बैरिया में एक हत्या में इसकी संलिप्तता थी और उसके बाद एक व्यक्ति को इसके द्वारा 10,00,000 रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और रंगदारी ना देने पे जान से मारने की धमकी दी गई थी। सर, इतना बड़ा अपराधी बलिया में सक्रिय था, ये सूजी टीम कहाँ थी और उस समय थी कि नहीं मौके पर? देखिए, लगातार टीम हमारी इसकी सुराग रसी और पता रसी में लगी हुई थी। इसके अलावा क्योंकि 4 राज्यों से वांछित था तो एसटीएफ की भी टीम्स इसके ऊपर लगी हुई थी। सब लगातार इस पर प्रयास कर रहे थे और इसको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी और उसी प्रयत्न में आज पुलिस को देख करके जब ये भाग रहा था और उसके बाद इसने जब पुलिस पे फायरिंग किया तो जवाबी वो उसने। अभी सर क्या स्थिति है? जिंदा है या मृत हो गई इसकी? डॉक्टर्स से बात करके मैं अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में आया हूँ, डॉक्टर से बात करके मैं आपको बता देता हूँ।